वेलकम बैक गाइस, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड है और इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से मुख्य कारण हैं जिसके कारण नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं पाती है। एक्चुअली गाइस, आज के टाइम में लोग बहुत ही ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं और वो नॉर्मल डिलीवरी ही चाहते हैं क्योंकि सीजीरियन सेक्शन मतलब कि जो बड़ा ऑपरेशन होता है जिसे लोअर सेगमेंट सीजीरियन सेक्शन या सीजीरियन सेक्शन के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं, उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं बाद में ऑपरेशन के बाद। और भले ही नॉर्मल डिलीवरी में पेन ज़्यादा होता हो और सीजीरियन में शुरुआती टाइम में पेन नहीं होता, लेकिन बाद में लोगों को पता लगता है कि अगर वो नॉर्मल डिलीवरी करा लेते तो काफ़ी उनके लिए बेनिफिट रहता और पेन को भी सहना ना पड़ता जो कि सीजीरियन में होता है। तो इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि किन कारणों से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती और सीजीरियन ही करना पड़ता है। तो ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। तो गाइस, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस, वो कौन से मुख्य कारण हैं जिसके कारण नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती और सीजीरियन ही करना पड़ता है, तो टॉपिक शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला कारण है प्रीवियस सीजीरियन सेक्शन। जी हाँ, अगर पेशेंट को पहले सीजीरियन हुआ हो तो इस बार भी ज़्यादा चांसेस हैं कि पेशेंट को सीजीरियन ही होगा, क्योंकि उसका कारण है कि नॉर्मल डिलीवरी में जो ज़्यादा फोर्स लगता है उसमें जो प्रीवियस सीजीरियन होता है तो बच्चेदानी में इंसीजन मतलब कि चीरा देके और बच्चे को आउट करते हैं और वहाँ पर स्टिचेस लगा दिए जाते हैं जिसे स्कार्स बोलते हैं, वो वापस खुलने का डर रहता है उस पार्ट का। तो इस रिस्क को कम करने के लिए सीजीरियन को प्रेफर किया जाता है। साथ ही अगर पेशेंट की पहले की कंडीशन कोई मेडिकल कंडीशन है या जो मदर है उसका पेल्विक एरिया नैरो है, पतला है और बच्चा उसमें से निकल नहीं सकता, या मदर को कोई HIV पॉजिटिव है या हर्परेक्स है, तो भी जो पहले के टाइम था तो इस बारी भी ऐसी मेडिकल कंडीशन में सीजीरियन को प्रेफर किया जाता है और सीजीरियन किया जाता है। अगली कंडीशन है गाइस, फेलियर टू प्रोग्रेस इन लेबर या इसे प्रोलोंग्ड लेबर के नाम से जाना जाता है। अब गाइज, इसका मतलब होता है कि अगर पेशेंट को पेन अच्छे वाले आ रहे हैं, अच्छा पेन आ रहा है, लेकिन उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं है, जो मदर का नीचे वाला पार्ट है वो 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर या उसे फिंगर से 2 फिंगर या 3 फिंगर पर ही है पेशेंट और उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं है, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन लगाने के बाद भी अगर पेशेंट को कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा और पेन अच्छे ही आ रहे हैं लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं दिखती, तो ऐसी कंडीशन में भी 5 या 6 घंटे के बाद सीजीरियन किया जाता है दोनों मदर और बेबी की कंडीशन को देखते हुए। अगला है गाइस, माल प्रेजेंटेशन। अगर बच्चे की पोजीशन नॉर्मल नहीं होती, अब नॉर्मल पोजीशन क्या होती है गाइस, जो बेबी है उसका जो सिर है वो नीचे की साइड, टांगे ऊपर, और जो बेबी की पीठ है वो मदर के एब्डोमन वॉल के साथ लगी होती है और फेस जो है मदर की बैक की साइड में होता है। ये बेबी की नॉर्मल पोजीशन है। अगर ये पोजीशन के अलावा कोई दूसरी पोजीशन होती है तो इसे माल प्रेजेंटेशन बोला जाता है और ऐसी कंडीशन में भी सीजीरियन किया जाता है, जिसमें से ब्रीच जो पोजीशन है वो काफ़ी फेमस है, जिसमें बच्चा उल्टा होता है, मतलब जो सिर होता है बच्चे का वो ऊपर की साइड और टांगे नीचे की साइड होती हैं। आप ऐसे कर सकते हैं, अगर डिलीवरी होती है तो बच्चे की जो टांगे हैं वो पहले आएंगी और नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे का जो सिर है वो पहले आता है, तो ये ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है और ऐसी कंडीशन में सीजीरियन किया जाता है। तो गाइस, अगला जो कारण है वो है फीटल डिस्ट्रेस। अब इसका मतलब है कि बच्चे को हाइपोक्सिया हो जाता है जिसके कारण उसकी दिल की धड़कन है वो सामान्य से ज़्यादा या सामान्य से कम हो जाती है, मतलब कि 60 से कम या 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा होती है तब इसे टैकीकार्डिया कहा जाता है और अगर 60 से कम होती है तो इसे ब्रैडीकार्डिया बोला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी सीजीरियन सेक्शन किया जाता है। अगला कारण है गाइस, सिफेलो पेल्विक डिसप्रोपोर्शन। अब इसमें क्या होता है कि जो बेबी का हेड है या फिर जो बेबी की पूरी बॉडी है वो जो मदर का नीचे वाला पार्ट है वहाँ से निकल नहीं पाती,
जिसके कारण बच्चे के हेड पर ट्यूमर होने के चांसेस या बच्चे को सांस नहीं आता या बच्चा निकल नहीं पाता, ऐसी कंडीशन होती है जिसे सीपीडी बोलते हैं। और ऐसी कंडीशन में भी एलएससीएस मतलब कि सीजीरियन सेक्शन किया जाता है। अगला जो कारण है वो है फेल टू फोरसेप और वैक्यूम डिलीवरी। अब ऐसी सारी काफ़ी सारी कंडीशन है जिसमें फोरसेप या वैक्यूम डिलीवरी करनी पड़ती है। जैसे अगर जो पेशेंट है वो जोर नहीं लगा पाती या थक जाती है जोर लगाने से, या फिर कोई भी कंडीशन हो सकती है जिसमें फोरसेप डिलीवरी या वैक्यूम डिलीवरी करनी पड़ती है। आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें एक सीन है जिसमें जो है वैक्यूम डिलीवरी को दिखाया गया है। तो गाइस ऐसी कंडीशन में अगर ये दोनों जो फोरसेप डिलीवरी और वैक्यूम डिलीवरी फेल हो जाती है तब सिजीरियन ही करना पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं बचता। और गाइस आगे है मल्टीपल गेस्टेशन। अब इसका मतलब है कि अगर एक से ज़्यादा बेबी हैं पेट में, मतलब ट्वीन्स हैं या ट्रिप्लेक्स हैं बेबी पेट में, तब भी सिजीरियन किया जाता है। आगे है प्लेसेंटा प्रीविया ग्रेड 4। वैसे तो जो प्लेसेंटा है वो सर्विक्स के दूसरी साइड में होता है और इसकी ग्रेड्स भी हैं, लेकिन जो ग्रेड 4 है उसमें सर्विक्स के ऊपर ही प्लेसेंटा होता है और बेबी को निकलने का रास्ता नहीं मिलता, और इस कंडीशन में भी सिजीरियन किया जाता है। अगला कारण है ट्यूमर। अगर मदर के पेल्विक एरिया में कोई ट्यूमर है या फिर मदर को ओवेरियन सिस्ट है बड़े साइज़ की, तो ऐसी कंडीशन में भी सिजीरियन किया जाता है। और अगला कारण है गाइस, अगर मदर को हर्प्रेक्स या मदर एचआईवी पॉजिटिव है तब भी सिजीरियन किया जाता है। और अगला कारण है गाइस, अगर मदर को कोई मेडिकल इलनेस, जैसे अगर मदर जो है वो डायबिटिक हो या फिर उसे हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो, तब भी ऐसी कंडीशन में ऐसी मेडिकल इलनेस में जो है सिजीरियन किया जाता है, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। और गाइस अगला है आईवीएफ। अगर आपने फर्टिलाइजेशन टेक्निक का सहारा लिया है प्रेग्नेंट होने के लिए, तब भी ऐसी कंडीशन में एलएससीएस किया जाता है, मतलब सिजीरियन किया जाता है। और अगला कारण है गाइस कॉर्ड प्रोलैप्स, जिसमें एक जो कॉर्ड बच्चे और माँ को जोड़ती है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और इसी से मदर से बच्चे को न्यूरिशमेंट मिलता है, जो भी मदर खाती है या फिर जो भी मदर खाती है वो बच्चे तक जाता है वाया ब्लड। ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन भी जाएगी और जो भी मदर खाती पीती है वो बच्चे को मिलता है। और ये जो कॉर्ड है ये सर्विक्स से बाहर आ जाती है और इस कंडीशन को कॉर्ड प्रोलैप्स बोला जाता है, और ऐसी कंडीशन में जो है सिजीरियन किया जाता है। साथ ही अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है, जो कि एक नॉर्मल डिलीवरी में एक अहम भूमिका निभाता है, अब अगर एमनियोटिक फ्लूइड पूरा है तो बच्चा फिसलकर नॉर्मल डिलीवरी में बाहर आ जाता है, लेकिन अगर ये कम है तो बच्चा निकल नहीं पाएगा, और ऐसी कंडीशन में भी सिजीरियन किया जाता है। तो गाइज ये कुछ मुख्य कारण थे जिसके कारण नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं पाती और सिजीरियन करना ही पड़ता है। तो गाइस आशा करता हूँ कि ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये आपके लिए यूज़फुल होगी। तो गाइस ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस और टॉपिक्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही गाइस किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप हमें किसी भी प्रकार का सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके दे सकते हैं। ओके गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।